कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर थी करवामां आवेल ट्वीट मामले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चूंटनी पंचे सोमवार एटले के 8 मे नोटिस फटकारी जेमां कांग्रेस प्रमुख ने कह्यु छे के सोनिया गांधी ना निवेदन ने लई कांग्रेस ना ट्विटर हैंडल द्वारा करवामां आवेल ट्वीट ने सुधारवा अने स्पष्टता करवा ताकीद कराई छे। ट्वीट बाद भाजपे चूंटनी पंच ने कांग्रेस ना नेता सोनिया गांधी सामे कार्यवाही करवा मांग उठावी हती जेमां चूंटनी प्रचार दरमियान कर्नाटक माटे सर्वभौमत्व शब्द उपयोग करवा बदल पार्टी नी मान्यता रद्द करवा सहित नी शिक्षात्मक कार्यवाही माटे निर्देशो जारी करवा एफआईआर नोंधावा मांग उठावी हती। केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ना नेतृत्व हेठळ भाजपे आ मामले चूंटणी पंच ने आवेदन पत्र सौंप्यो हतो जेमां पार्टीए उल्लेख कर्यो हतो के कर्नाटक भारतीय संघ में एक महत्वपूर्ण सदस्य राज्य छे अने जेमां भारतीय संघना राज्य सभ्य राज्य ने सर्वभौमत्वनी रक्षा करवा माटेना कोई पण कॉल अलगता माटे बोलावा समान छे अने आ घातक परिणामोनी भीति सर्जाय छे। कोंग्रेसे शनिवारे हुबलीमां एक चूंटणी रेलीमां सोनिया गांधीना भाषणनो उल्लेख करीने एक ट्वीट कर्यो हतो जेमां जणाव्यो हतो के कांग्रेस संसदीय दळना अध्यक्षो 6.5 करोड़ कन्नड लोकोने कड़क संदेश आप्यो छे। आ दरमियान जाहेर सभाने संबोधन करती तस्वीर पण वायरल थई हती जेमां कांग्रेसे ट्वीट कर्यो हतो के कांग्रेस कोईने पण कर्नाटकनी प्रतिष्ठा स्वभौमत्व अने अखंडता माटे जोखम उभुं करवानी मंजूरी आपशे नहीं जेने लईने विवाद सर्जायो छे। आपके राज्य का खास स्थान है और ये गर्व की बात है कि आज श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब 1978 में इंदिरा जी अपने ऊपर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी तो चिकमंगलूर के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया था। मैंने भी जब 24 साल पहले मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेर गति की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। नफरत फैलाना की जिनका काम है उन्हीं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। भाजपा सरकार की लूट जूट अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है उससे मुक्ति पाए बिना ना तो कर्नाटक तरक्की कर सकता है और ना देश में प्रगति हो सकती है। इसलिए राहुल जी के साथ हजारों लाखों लोगों ने 4000 किलोमीटर की इस पदयात्रा में हिस्सा लिया था। यह ICC